सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं शशांक कुमार और आप देख रहे हैं राइडर रेडियो स्टेशन। तो आज ना मेटियोर लेने के बाद हम पहली एक शॉर्ट राइड पे जाने वाले हैं, जो कि हम जा रहे हैं मेदक। तो एक्चुअली पर्पस क्या था मेदक जाने का, कि जब मैंने मेटियोर मतलब लेने का जब प्लान किया था, मैंने वहां पे एक टेम्पल है हमारे गाँव में, तो वहां पे मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मैं गाड़ी लूंगा तो मैं पहली पूजा वहां पे कराऊंगा। तो उसी के लिए हम वहां जा रहे हैं, उसका नाम है एडिपाय, तो जो कि है मेदक में। तो ये पूरी राइड मिला के कुछ 200 किलोमीटर की राइड होने वाली है। तो सीधा अभी बिना टाइम वेस्ट करें, अभी काफी लेट हो चुके हैं, 10 बज रहे हैं अभी, तो सीधा आपको बाइक पे मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो राइड हो चुकी है शुरू और हमने 35 किलोमीटर तक कंप्लीट कर चुका है, और ये है नरसापुर का हाईवे। तो हमने सिटी ट्रैफिक को तो पूरा मतलब क्रॉस कर दिया है, तो अभी हम सीधा हाईवे पे पकड़ रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं। और ये नरसापुर का हाईवे बहुत ज़्यादा सीनिक रहता है गाइस, क्योंकि ना ये ना पूरा जंगल के अंदर से है, नरसापुर का जो जंगल रहता है उसके अंदर से ये हाईवे है। तो आपको मंकीज भी देखने को मिल जाते हैं, और ये बीच में आपको नरसापुर का अर्बन पार्क भी यहीं पे मिलता है। इसी रूट से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको अर्बन पार्क भी मिलेगा। तो ये यहाँ से हम जा रहे हैं मेदक। तो मेदक होने वाला है अराउंड 100 किलोमीटर्स। तो अप एंड डाउन का मिला के, दोनों मिला के ये राइड होने वाली है एक 200 किलोमीटर्स की राइड। तो अभी तक तो मेरी फर्स्ट सर्विसिंग हुई नहीं है, बट यहाँ से रिटर्न जाते समय हैदराबाद जब पहुँचूंगा तो तब तक इसका 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसकी फर्स्ट सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी। तो उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा गाइस। तो गाइस, नरसापुर क्रॉस होते ही यहाँ पे एक छोटा सा लेक आता है, तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये ना लेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब छोटा सा लेक है, बट बहुत अच्छी जगह है मुझे लगी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे भी थोड़ा देर रोका और थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए, तो वो आप फोटोज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, और प्लेस देख सकते हैं आप, बहुत सही जगह लगी मुझे। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, तो मेरे पीछे व्यू देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर है यहाँ पे। तो ये थोड़ा गाँव नरसापुर क्रॉस होने के बाद ये हमें एक मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर जैसा है, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रिलैक्स हो रहे हैं। और बाकी तो देखने में कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो ये डे टू है गाइस। तो एक्चुअली हम आए थे यहाँ पे सैटरडे के दिन, और आज संडे है। और एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे लॉकडाउन हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना, तो वो टेंपल भी बंद पड़ गया। तो अगर हम सोच रहे थे कल हमारी दर्शन हो जाएंगे वहाँ पे, तो हम यहाँ से जा सकते हैं, बट ये हो नहीं पाया। तो सैटरडे के दिन तो हम घर पे बैठे रहे, संडे के दिन हम क्यों वेस्ट करें। तो हमने सोचा यहाँ से पोचारम जो डैम है वो वहाँ, यहाँ से बहुत पास पड़ता है मेरे घर गांव से, तो वहाँ हम जाने वाले हैं, अभी उसी की तरफ जा रहे हैं हम, पोचारम डैम की तरफ। तो ये कुछ 10-15 किलोमीटर यहाँ से हमारे गांव से पड़ता है। अब शाम के बज रहे, चार बज रहे हैं, और हम यहाँ पे आ गए, पहुँच गए हम ऑलमोस्ट। तो यहाँ से कच्चा रास्ता आता है, जिस वहाँ से जाएंगे तो डायरेक्ट हम पोचारम पहुँचेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं वो कच्चा रास्ता कहाँ पे आता है। तो ये जो आ रहा है आगे, वो कच्चा रास्ते से आप अगर अंदर चल जाते हैं तो आपको पोचारम डैम जो है मिल जाता है। हाँ, ऐसी जगह पे लेकर आना बुलेट को। मजा आ गया यार। ये पोचारम डैम है,
अच्छा सा टाइम पास किया हमने, पूरी शाम अच्छे से बिताई, सनसेट भी एंजॉय किया। अब वापस घर को, डन, फिर से वही बिजी लाइफ, वही ऑफिस वाला दिन। वीकेंड तो हो गया भाई, और ऑफ रोड में भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है मेटियोर। दोनों साइड ऐसा खेत है, एक अच्छा सा रास्ता, एक अच्छी सी बाइक, और क्या चाहिए जिंदगी में भाई, और क्या ही चाहिए बताओ। ये रोड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, ऐसे कवर हो गया यहाँ से वहाँ तक, और सही है यार। अंधेरा भी हल्का सा हो रहा है, सनसेट तो हो ही गया, तो सीधा घर को चलते हैं। अभी हम जल्दी इसके साथ एक लॉन्ग राइड पे भी जाएंगे, प्लान तो वही चल रही है, फर्स्ट सर्विसिंग ख़त्म होते ही लेके जाना है इस गाड़ी को। अब तो रुका नहीं जा रहा मुझसे, देखो मैंने 334 किलोमीटर कर लिया सक्सेसफुली, तो घर पहुंचने तक, तो हैदराबाद पहुंचने तक तो इसका सर्विस ड्यू भी हो जाएगा, तो जाके सर्विसिंग भी करा देंगे और निकल जाएंगे, और क्या। फोटोज़ देख रहे हो ना, मतलब जिसके मैंने इंस्टा पे डाले हैं, नहीं देखा है तो जाओ और अभी मेरे को इंस्टा पे जाके फॉलो करो यार, बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स डालता हूँ मैं और अच्छे से फ़ोटोज़ भी डालता हूँ, तो जाइए वहाँ फॉलो कीजिए मुझे, वहाँ पे पॉपअप होगा मेरा इंस्टा आईडी, तो जाइए इंस्टा पे फॉलो कीजिए मुझे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है, बस लाल बटन को ग्रे में कन्वर्ट करना है, बाजू के घंटी को दबाना है, बस इतना सा करना है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, कर दो। सिक्स हो रहा है और हम यहाँ से निकल पड़े। बाय। तो हम यहाँ से स्टार्ट हो गए, हम सीधा मंदिर की तरफ जा रहे हैं, अभी इसकी पूजा कराने के लिए। एक्चुअली जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे वो ही करने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना फिर से लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे मंदिर बंद हो चुका है। तो भी हमने बात की और अर्ली मॉर्निंग हम आएंगे बोल के बताया हम लोगों को, और अभी जाके हम वहाँ पे पूजा कराते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है, क्योंकि दो दिन से मैं उसी के लिए रुका हुआ हूँ और कल भी नहीं हो पाया और जिस दिन मैं आया था उस दिन भी नहीं हो पाया। तो सनराइज भी हो चुकी है और सुबह सुबह मस्त मज़ा आ रहा है। अर्ली मॉर्निंग राइड मैंने अभी तक किए नहीं है, बट पहली बार ऐसे गांव में। खेत भी देखो यार कितना मस्त नज़ारा है, यहाँ से इस तरफ खेत है, इस तरफ खेत है, और बीच में हम अपने साथ मेटियोर है भाई। सही है, सही है। तो यहाँ से है ये मंदिर की एंट्री, जैसे हम देखा ना, तो इसके अंदर से और थोड़ा किलोमीटर रहेगा शायद। ये रोड भी बहुत सीनिक रहता है और यहाँ मेदक के एरियाज में ये बहुत ज़्यादा बहुत पॉपुलर मंदिर है। इस मंदिर का नाम है एडपायल, ठीक है, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, ठीक है। मेदक में, मेदक के पास रहता है, नरसापुर के पास में भी आता है, तो आना ज़रूर, बहुत अच्छी जगह है। चलो तो पूजा भी हो गया,
दर्शन भी हो गए और हम फिर से निकल पड़े, 7 होने को है। तो मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, पूरा एकदम सा बंद पड़ा हुआ है। तो जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया यार, मुझे गाड़ी की पूजा करानी थी और वो मैंने करा ली, अब सब कुछ सही है। तो हम यहाँ रुके थे और हमने ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लिया, तो चलते फिर और क्या। ये पूरा रास्ता जो है ना पूरा जंगलों के बीच में से है और इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे रहते हैं। किसी को राइडिंग का सही में मतलब मज़े उठाने ना, ऐसे रोड पे जाओ मज़ा आ जाता है। सो गाइस, कुंभली भी पहुँच गए और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, इट वॉन्ट टेक मच टाइम। बस वो लाल सब्सक्राइब बटन को टैप करना है, उसको ग्रे करना है और उसके बाजू में घंटी है उसको बजा लेना है, बस इतना सा कर रहा है। 5 सेकंड लगेंगे, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। कर दिया ना, ठीक है चलो। और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, अंटिल देन स्टे सेफ एंड राइट सेफ गाइस। अरे बाबा हट रे।